जान से, पूरी दुनिया से जहाजे मंगवा के उनका मुकाबला किया ताकि अपने हर ही को नुकसान ना हो, अपना किसान को नुकसान ना हो। मैंने 27 दिसंबर करे खुदा बख्श पे खड़ा हो के ना लायक ना अहलों को बताया था कि हमारा हारी, हमारा किसान मजबूर हो रहे हैं कि अपना खाद, अपना यूरिया, अपना डीएपी ब्लैक मार्केट से ले रहे हैं, और ये कहते थे नहीं हमारा बहुत यूरिया है। एक दो महीने बाद पूरा मुल्क नजर आया के यूरिया का क्राइसिस, ज़राअत का क्राइसिस, किसान का क्राइसिस शुरू हुआ, और सबसे ज्यादा आपका हक मांगा गया, आपसे आपका खाद, आपका यूरिया चोरी किया गया, आपके यहां यहां जो आपके लिए स्टॉक पड़ा हुआ था उस पे दो वफाकी वजीर ने किसी वजीर के कोटे पे आपका खाद को चोरी किया, आपको यूरिया को चोरी किया, और खास तौर पे घोटकी के किसानों को, घोटकी के आरियों को नुकसान पहुंचाया। अगर हम इस कठपुतली का जो जुल्म है, जो नाइंसाफी है, वो सुनाता रहूं तो मैं रात तक इधर खड़ा हूं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपना जिद्दोजहद करना है, हमें अपना लड़ाई लड़ना है। इंशाल्लाह ताला ये जियालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हम पुराने लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है और वो अदम एतमाद है। हम समझते हैं कि अवाम का एतमाद अब उठ चुका है, और अगर अवाम का एतमाद उठ चुका है तो पार्लियामेंट का एतमाद उठना चाहिए। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। हम इसी जिद्दोजहद को आगे लेके भरेंगे, इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी। जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो पूरी दुनिया को नजर आएगा, पूरी दुनिया को नजर आएगा कि कौन पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है, और कौन इस सिलेक्टेड चोर के साथ खड़े हैं, कौन पाकिस्तान के हक के साथ खड़ा है, और कौन इस सिलेक्टेड के साथ खड़ा है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम हमला करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, जब तक हम आपको इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं, जब तक हम आपको आपके हकूक नहीं दिलवा सकते। आखिर मैं खुद की कश्मोर आप सबका शुक्रिया करता हूं कि आपने इतना बड़ी तादाद में हमारा इस्तकबाल किया है। मैं सिंध का आवाम को सलाम पेश करता हूं, सुख सलाम पेश करता हूं। जिस अंदाज में, जिस तरीके से आपने हमारा अवामी मार्च के साथ दिया, आपने तारीख रकम किया है। इंशाल्लाह ताला आगे भर के हम पंजाब में दाखिल हो रहे हैं और दमदम मस कलंदर होगा। आए हमारे साथ थे, आए फुटो शहीद के जमात के साथ थे, आए शहीद रानी के जमात के साथ थे, आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, और इस मुल्क की किस्मत बदल देते हैं। जिए फुटो।